क्शन ऑफ सी आई टी एन सी आर टी मैं हूँ रेणु भट्ट आप सभी का स्वागत करती हूँ हम अपने इस इंटरेक्शन में और अपने सभी देखने वालों को हम बता दें कि आप हमें देख रहे हैं चैनल नंबर चार पर आप सभी का स्वागत है और अपने इस कक्षा में हम किस विषय पर बात करने वाले हैं वो भी हम आपको बता देते हैं हम बात करेंगे ईवीएस के पोस्ट स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए और क्या टॉपिक है हमारा वो भी हम आपके साथ शेयर करते हैं हमारा आज का टॉपिक है गोइंग टू स्कूल दैट इज चैप्टर फर्स्ट और अब आप सोच रहे होंगे स्कूल जाना इसमें हम क्या पढ़े इसमें हम क्या जाने अब आपको ये सोचना है कि हम स्कूल तो जाते हैं लेकिन हम किस तरह से स्कूल जाते हैं कौन कौन से ऐसे मीडियम है जिसके माध्यम से आप स्कूल जाते हैं अब वो कई तरह के हो सकते हैं हर जगह का अलग अलग मीडियम हो सकता है और ये मीडियम्स आपको बताएंगे हमारे एक्सपर्ट जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, तो चलिए उनसे परिचय लेते हैं आप है श्रीमती मंजीत के सिंह मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है थैंक मैम और मैम के बारे में हम अपने सभी देखने वालों को बता दें कि मैम टीजी -टी इंग्लिश है केवी न्यू डेली से और अपनी सभी क्वेरीज आप अपनी सभी बातें बच्चों हम तक पहुंचा सकते हैं माम आपकी सभी क्वेरीज का आपकी सभी बातों का जवाब देने के लिए तैयार है आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टेलीफोन नंबर पर जो है डबल एट डबल जीरो डबल फोर जीरो डबल फाइव नाइन ईदर यू कैन ड्रॉप एज वेल हमारा ईमेल एड्रेस है डी टी एच डॉट क्लास फोर्थ एट द रेट सी आई टी डॉट एन आई सी डॉट आई एन तो आप अपनी सारी बातें हम तक जरूर पहुंचाएं और कोई बात आप हमसे शेयर करना चाहते हैं अपना कोई अनुभव है तो आप तो हमसे शेयर करना चाहते हैं तो जरूर करें आप किस तरह से स्कूल जाते हैं हमें जरूर बताएं तो हम अपनी विशेषज्ञ के पास चलते हैं मंजीत मैम हम आपके पास आएंगे और जैसे हमारे आज का टॉपिक है गोइंग टू स्कूल तो स्कूल जाना अपने आप में तो अगर मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात करें तो बहुत आसान है जाना हम्म तो इसमें क्या स्पेशल है जो आपने टॉपिक लिया मैम ये देखो मैम इसमें ये स्पेशल है कि डिफरेंट स्टेट्स में इंडिया के डिफरेंट पॉलिटिकल मैप के ऊपर डिफरेंट स्टेट्स हैं और हर एक के लैंडफॉर्म्स अलग हैं hmm. हर एक एनवायरनमेंट अलग है क्लाइमेट अलग है डिफरेंट चैलेंजेस हैं डिफिकल्टज हैं के लिए टू गो टू स्कूल सो हाउ द चिल्ड्रन दे फेस दोज चैलेंजेस एंड डिफिकल्टीज दिस इज इट इज टोल्ड इन द फॉर्म ऑफ चैप्टर गोइंग टू स्कूल टू द चिल्ड्रन okay so they will be very interested to listen all this and they may they might be knowing about the other states how other students mm -hmm. other states those who are living in the different landforms different mm -hmm. climate maybe on the rocky maybe on the mountain riverside so how they are crossing for the school so oh. that is different for the children okay children good mm -hmm. afternoon uh, so very warm, warm welcome

और डिफरेंट मोड्स हैं उसके लिए आपको डिफरेंट सिंपल सीखे थे अब आप डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सीखेंगे इस न्यू लेसन में इन द वेरी न्यू क्लास वेरी वाम वेलकम टू द न्यू क्लास ऑल्सो क्लास फोर ऑल्सो सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद गोइंग टू स्कूल सो यू मस्ट बी एक्साइटेड एंड इफ यू आर इन द मेट्रोपोलिटन सिटी इट विल बी लाइक यू माइट बी योर पेरेंट्स ड्रॉपिंग मैम आपको कैसे जाते थे आप स्कूल में थे जब Bye. मैम जब मैं स्कूल में थी तो मेरी स्कूल बस लगी हुई थी मैम हाँ, तो then, then बस बस easy, yes, और you... हाँ, तो हम जब हम थे तो हम साइकिल से जाते थे वी यूज्ड टू एंजॉय आल्सो साइकिल करना और स्कूल जाना एक एक्साइटमेंट होती थी हमने स्कूल साइकिल पे चढ़ के स्कूल जाना है तो तब तो पेरेंट्स के पास भी साइकिल होती थी या स्कूटर्स होते थे तो उस टाइम पे एक्साइटेड होते थे पर अभी भी भारत में इंडिया में ऐसे बहुत सारी जगह है जहाँ पे कोई ट्रांसपोर्ट का

एक हाथ से उन्होंने ब्रिज को पकड़ा हुआ है जो बैम्बू से बना हुआ है और रोप से बना हुआ है आपको भी दिख रहा है तो कितना डिफिकल्टी से वो चल रहे हैं ब्रिज के ऊपर कितना मुश्किल है उनको चलना सो ये डिफिकल्टीज वो फेस कर रहे हैं असम में ठीक है बच्चों तो अब आपको आगे जाके मैं और डिफरेंट भी बताऊंगी कि और कौन से ब्रिज हैं ये तो हो गया आपका बैम्बू एंड बैंबू ब्रिज है जो रोप से और बैंबू से बनता है क्योंकि आसाम में इतने सारे बैंबूज हैं तो इस तरह वो यूटिलाइज भी कर लेते हैं एनवायरमेंट फ्रेंडली भी हो गए ठीक है बच्चों तो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो गए तो क्योंकि वहां पे बसेस को ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते पोल्यूशन है तो इसलिए वो इससे इस्तेमाल कर रहे हैं तो अभी देखो अब मेरे पास एक एक्सपीरियंस है लाइव एक्सपीरियंस मैं भी कहीं गई थी तो मैं ऐसे करके ब्रिज के ऊपर चल रही थी किसी मेले में तो मेबी इन असम दिस वन तो मेरे को कितनी मुश्किल आ रही है इस ब्रिज के ऊपर चलने के लिए बच्चों आप देख रहे होंगे ठीक है ऐसे उन बच्चों को भी आती है मुश्किल आगे चलने के लिए तो अब हम दूसरे ब्रिज पे आ रहे हैं सीमेंट ब्रिज में जो आप हमेशा आप देखते हो आपके मेट्रोपॉलिटन सिटीज में है आपके शहर में भी है तो आप पहले ये बताओ मुझे ये जो सीमेंट ब्रिज है ये किससे बना होता है आप बताओ बच्चों कैसे किससे बना होता है ये सीमेंट ब्रिज मैम आप बताओ मां सीमेंट से हम्म से हुँ. और फिर इसमें आयरन रॉड्स डलती हैं ठीक है बहुत मजबूत रहे स्ट्रांग रहे आपको क्या लगता है कि कौन सा ब्रिज स्ट्रांग है बेम्बू ब्रिज स्ट्रांग है या सीमेंट ब्रिज स्ट्रांग है तो बच्चों का भी यही जवाब होगा कि सीमेंट ब्रिज जो है दैट इज मोर राइट सो तो पे हम आराम से चल सकते हैं सेफ्टी मेजर के लिए यहाँ पे चलना इतना मुश्किल नहीं है और बच्चों में आपको एक और बात बता दू जब आप बेंबू ब्रिज पर चल रहे थे तो आपको शूज के साथ नहीं चलना पड़ेगा आपने देखा मैं शूज के साथ चल रही थी तो मेरे को कितना मुश्किल हो रहा था चलना तो आप उस टाइम पे इस तरह की शूज पहनेंगे जो तो ग्रिप वाले हैं मे बी चप्पल तो उससे आपको ग्रिप बनी रहेगी आपकी बेम्बूज की तो आप इजिली वॉक करोगे तो ये भी तो आपने सीखना है कि हाउ टू वॉक राइट इन डिफरेंट क्लाइमेट्स एंड डिफरेंट चैलेंजेस तो ये सीमेंट पे आपने देखा होगा सीमेंट ब्रिज में आपके स्टेप्स भी होते हैं ठीक है और रैंपस भी बनी होती है जो नहीं चल पाते सीढ़ियां नहीं चढ़ पाते स्टेप्स नहीं चढ़ पाते तो आप दोनों मोड्स इस्तेमाल कर सकते हो सीमेंट ब्रिज भी और जहां आप अगर शहर में हो तो सीमेंट ब्रिज तो आपने देखा होगा जब आपके ग्रैंड पेरेंट्स थे आप उनसे पूछ सकते हो अपनी ग्रैंड पेरेंट से दादी से ठीक है कि कैसे हमने आगे आ, आपके टाइम में किस तरह के ब्रिज होते थे आप कैसे स्कूल जाते थे ठीक है तो ये आपने ग्रैंड पेरेंट्स से हंड्रेड पूछना है कि आपके टाइम पे कैसे ब्रिज होते थे नाउ कमिंग टू द अदर ब्यूटिफुल यू कैन से स्टेट लद्दाख ठीक है बच्चों मैंने तो देखा हुआ है लद्दाख आप भी जब बड़े हो जाओगे या हो सकता है कई बच्चों की पोस्टिंग है लद्दाख में कई अपने पेरेंट के साथ वेकेशन में जाएंगे ले लद्दाख में तो आप देखेंगे वहां पे ट्रॉली चलती है क्योंकि क्यों ट्रॉले चलती है क्योंकि सारा माउंटेनियस एरिया है और रिवर साइड है बहुत बड़े बड़े दरिया है वहां पे माउंटेन्स हैं तो चिल्ड्रन जो है बच्चे जो है वो क्रॉस नहीं कर पाते हैं ठीक है उनको क्रॉस करना बहुत मुश्किल है ये सब करना तो इसलिए उनको क्या करना पड़ता है उनको ट्रॉली में बैठ के फ्रॉम जाना पड़ता है तो आपने देखा होगा कि ये जो ब्रिज है वो किसी एक सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहा है मैं आपको अभी दिखाऊंगी थोड़ी देर के बाद कौन सा सिस्टम है जिसपे वो वर्क करता है आपने देखा कई बच्चे गांव में रहते हैं तो गांव से आपने देखा बेल से पानी निकालते हैं तो कई बच्चे तो देखो पुलिस से पानी निकाल रहे हैं आपने देखा नंबर टू पिक्चर है वो बच्चा रोप से खींच रहा है और उसके ऊपर पुली लगी हुई है बकट से बाहर निकाल रहा है पर जो पहला बच्चा है बच्चों वो ऐसे ही बिना पुली से पानी निकाल रहा है तो आपको क्या लगता है कि किसको मुश्किल आ रही है पानी निकालने में वेल में से मैम मुझे लगता है कि पहले वाला जो बच्चा उसे ज्यादा दिक्कत आ रही है यस यू आर राइट सो फर्स्ट चाइल्ड इज फेसिंग Uh, उसको ही नहीं है hmm. ठीक है ठीक बिना के वो पानी खींच रहा तो hmm. उसकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा लग रही है तो आपका एक जैसे आप बच्चों बिकॉज यू आर स्टूडेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस तो hmm. आप एक ये भी पढ़ते हो फॉर्मूला पढ़ते हो किसका इसका फॉर्मूला वर्क कैसे होता है तो वर्क इज इक्वल टू डिस्टेंस इन टू टाइम तो इस बच्चे को टाइम भी ज्यादा लगा होगा तो वर्क भी कम हुआ होगा ठीक है ना हाँ. तो दूसरे बच्चे को वर्क भी ज्यादा हो गया और टाइम भी कम लगा क्योंकि उसके बीच में स्पोर्ट है ठीक है बच्चों तो ऐसे करके आपको पता चलेगा कि कैसे पुली की मदद से मेरे हाथ में पुली भी है जैसे मेरे घर में ब्लाइंड थे तो मैं आपके लिए वो लेकर आई हूँ पुली लेकर आई हूँ तो आपको मैं दिखाऊंगी कि कैसे ऐसे खींचते हैं हम ब्लाइंड खींचते हैं तो आपके घर में कर्टन है तो हम ऐसे खींचते हैं तो ब्लाइंड आपका नीचे हो जाता है तो ऊपर हो जाता है तो ये सारा क्या सिस्टम बना हुआ है मेरे पास व्हील है ये पुली है तो इसी सिस्टम के ऊपर वो बच्चे जो वेल से पानी निकालते हैं इसी सिस्टम के ऊपर ट्रॉली चलती है और इसी सिस्टम के ऊपर आप बताएंगे और क्या चलता होगा आपके घर में ब्लाइंड भी चलती है क्रेन चलती है क्यों मैम क्रेन भी तो इसी सिस्टम पे हुँ. चलती है क्रेन इतना सारा भार अपने ऊपर उठाती है कैसे वो पुली के हिसाब से हुँ. तो इसका मतलब है बच्चों आपको पुली के बारे में जानना है आपने इसका मॉडल भी बनाना है ठीक है आप किसका मॉडल बना सकते हैं ट्रॉली का मॉडल भी बना सकते हैं सीमेंट ब्रिज का मॉडल भी बनाएंगे फिर आप और किसका मॉडल बनाएंगे बेम्बू ब्रिज का भी मॉडल बनाएंगे और फिर आप इन सब की ड्राइंग भी बनाएंगे अपनी इनवायरमेंटल साइंस की नोटबुक में जो टीचर को दिखाएंगे आप तो आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा इसी इसी तरह आप डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की आपको नॉलेज भी हो जाएगी और आपके दिमाग में पड़ जाएगा कि ये कैसे मैंने बनाना है और कैसे इसके मॉडल बनाने हैं और यू कैन मेक द टीचर हैप्पी ऑल्सो ड्रॉइंग ऑल्सो एंड बाई प्रेजेंटिंग मॉडल ऑल्सो अभी मेरे पास भी एक मॉडल है मैं आपको भी दिखाऊंगी आप भी उसको देख के बहुत एक्साइटेड होंगे कि ये मैं भी बना सकता हूं घर में ठीक है बच्चो ना देखो ये ब्लाइंड है मेरे पास ठीक है तो इस ब्लाइंड से देखो ऐसे पुल करते हैं आपके घर में ब्लाइंड होंगी आपके पापा में, के ऑफिस में होंगी आपके घर में होंगी तो ये पुलिस सिस्टम के ऊपर वर्कआउट करता है तो आपको बिकॉज आप साइंस का सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो आपको ये सारे टेक्निकल पॉइंट्स भी पता होना चाहिए कौन सा मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट किस सिस्टम के ऊपर वर्कआउट करता है क्योंकि आपने फॉर्मूला भी सीखना है जो मैंने बता दिया तो वो आपको आगे चल और इन सब छोटी छोटी बातों से मैम मुझे लगता है उनकी लर्निंग काफी एनहांस हो रही है दे आर लर्निंग technical points also exactly and they are learning also different parts of states also hmm. they are going there they must be uh, happy ki we are in the Assam we are in the Ladakh so hmm. they are getting the knowledge of different states also and hmm. they are getting the knowledge of the different climates hmm. of those states so many so, things you many in things after you ma'am नो no, मैम तो फिर आपको भी पता चल गया लद्दाख में कैसे काम होगा जी तो अब बच्चे केरला पहुंच गए हैं देखो सो so इसका मतलब स्कूल तो सारे इंडिया में चल रहे हैं ऐसा तो नहीं सिर्फ दिल्ली में चलेंगे या आपके शहर में चलेंगे तो अभी केरला में बच्चे कैसे स्कूल जा रहे हैं एक से दूसरी जगह पे कैसे जा रहे हैं वेलम तो इसको हम वेलम बोलते हैं बच्चों आपने ध्यान से रखना आपकी बुक में से ही उठाया हुआ है ये सारा कुछ तो ये जरूर पिक्चर्स अलग हैं पर आपको वेलम आपने आपके लेसन में है तो ये वेलम नाम की बोट है तो आप बोट और भी तरह की बना सकते हो जैसे आप छोटे होते थे आप पेपर बोट बनाते थे गाने गाते थे चलाते थे बोट्स तो आपको बोट की नॉलेज तो है ही है तो एक वॉलनट बोट भी बनती है वुडन बोट भी बनती है जैसे हम कभी लद्दाख में गए थे मैं अभी तो केरला में गई नहीं तो जब मैं लद्दाख गई थी ना मैडम वहां जाके हमने क्या देखा था कि वहां पे जो डिफरेंट बोट्स बनती है वो वॉलनट बोट्स है वो वॉलनट बोट्स क्यों बनाते हैं क्योंकि इतना सारा

ठीक है और केरला भी बच्चों को देख लिया तो अब बच्चे एक्साइटेड होंगे हमने केरला जाना है नाउ कमिंग टू राजस्थान मीट मे मे बी बी योर योर फेवरेट फेवरेट टाउन स्टेट राजस्थान मैं भी बच्चों पांच साल रही हूँ राजस्थान में आप में बहुत सारे बच्चे राजस्थान देखा होगा तो आपने देखा होगा वहां पे कैसे चलते हैं बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं क्यों मुश्किल है राजस्थान में एक जगह से दूसरे स्कूल जाना आप बताओ मैम क्यों मुश्किल है वहां पे राजस्थान में एक से जगह दूसरी जगह जाना माम की वो बहुत दूर है दूर भी है और सैंडी है सैंडी एरिया है, है सैंड्स है तो सैंड्स के ऊपर आपको चलना मुश्किल है मैम आप मुझे सैंड पे चल के दिखाओ चल पाओगे आप नहीं चल है। है। बहुत मुश्किल है।, है।, है तो सैंड पे चलना तो अब उसके लिए आपको किसको इस्तेमाल करना है किसको यूज करना है कैमल को क्योंकि वो वहां का क्या है शिप ऑफ डेज़र्ट राइट तो वहां का शिप ऑफ द डेजर्ट भी है और उसको हम किसमें यूज यूसेज ले रहे हैं गोइंग टू स्कूल तो आपने कार्ट में भी देखा है अपने बच्चे जो हैं कार्ट में बैठ के जा रहे हैं तो अब हम कैमल को ही क्यों यूज करते हैं हम क्यों नहीं चले जाते उसके साथ इसलिए कि बच्चों कैमल के जो फीट है वो पैडेड होते हैं और उनकी जो पैड्स हैं वो कवर्ड विद सोल होते हैं जो इजी इजी वो स्टेप रख सकते हैं और सैंड के ऊपर चल के जो कैमल है वो चल सकता आप नहीं चल पाओगे ना मैं चल पाऊंगी तो इसलिए हम कैमल का इस्तेमाल करते हैं पर हुँ. है तो बच्चों आपको क्या लगता है कैमल को इस्तेमाल करना है तो क्रुअलिटी है टुअर्ड्स एनिमल्स तो वो भी हमने अवॉइड करनी है कि हुँ. हम कैमल को ना यूज करके कोई हुँ. और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करें टू स्कूल बिकॉज वी आर सेंसिटिव टूवर्ड्स एनिमल्स ऑल्सो चिल्ड्रन मस्ट बी सेंसिटिव

दिख रही है आपको अच्छा लग रहा होगा इसका मॉडल भी बनाएंगे घर में मम्मी की हेल्प से टीचर की हेल्प से जब स्कूल जाएंगे तो ये देखा आपने जो साइड्स हैं इसकी दोनों ये बेम्बू ब्रिज की एग्जांपल है उसी के मोड पे बना उसी टेक्निक पे तो साइड में आपने बेम्बू ब्रिज भी सीख लिया कैसे बनाना है आपने और आपने बुलरकार्ड भी सीख ली मैं बुलर तो ला नहीं सकती थी क्योंकि आई एम अगेंस्ट एनिमल्स ठीक है बच्चों तो आप एनिमल्स घर में मॉडल बना के इसको चला सकते हैं बुलर कार्ड को तो मैंने किसी मेले से खरीदा था तो मुझे अच्छा लगा मैं आपके लिए ले आई हूँ तो आप भी इसका मॉडल बनाएंगे Right, so बच्चों अभी हम गुजरात गुजरात पहुंच गए हैं हैं की भी कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है तो में ये जुगाड़ आ गया मैंने आ, कहीं पे इस वर्ड तो सुना, सुना हुआ है तो जुगाड़ हम कैसे करते कहते जुगाड़ लड़ाओ कोई काम हो जाए हमारा सो व्हाट इज दैट जुगाड़ कोई टेक्निक लगाते हैं तो कोई ना कोई ऐसी टेक्निक जो टेंपरेरी हो टेंपरेरी हो हेल्प कर दे हेल्प कर दे तो यहाँ पे गुजरात में उनके उन्होंने जुगाड़ बना दिया आपने आजकल देखा होगा बच्चों बहुत सारे वेजिटेबल वेंडर्स हैं वो क्या करते हैं उन्होंने आगे अपना बाइक लगाया होता है और पीछे उन्होंने अपनी ट्रॉली लगाई होती है तो जुगाड़ ही तो है मैम तो उन्होंने अपनी बना ली एक वहीकल ताकि हम सब्जी बेचना हमारे लिए आसान हो जाए इजी हो जाए क्योंकि आजकल के जो लड़के हैं जो यंग एडल्ट वो वर्क शेयर कर भी है नॉट आपकी तरह नहीं है वो वो आप तो बहुत हार्ड वर्क करो यू कैन से बट

ठीक है और उनके स्ट्रक्चर से भी स्ट्रक्चर तो आपने सीख ही लिया बनाओगे अब जब ड्राइंग और मॉडल तो साउंड भी पता चल गई फिट फिट फुट इसकी आवाज होती है जुगाड़ की ठीक है बच्चों तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा तो हो, मेरा आपका भी फेवरेट हो जो तो रहा ही है तो मैं तो इस पे स्कूल जाती थी और खेलती भी थी ठीक है बच्चों तो आपके भी बहुत सारे सीनियर स्कूल के बच्चे हैं जो इलेवंथ ट्वेल्थ के टेंथ के वो भी बहुत सारे बच्चे स्कूल स्लाइड हमारे स्क्रीन पे दिखाई दे तो ये देखो बच्चों, तो ये आपके आपको दिख गया साइकिल बाइसिकल राइड कितना अच्छा लग रहा है और देखा गर्ल्स के लिए क्योंकि सेफ नहीं होता तो इसलिए बच्चे ग्रुप्स में जा रही हैं, क्योंकि पेरेंट्स भेजते नहीं थे पहले गर्ल्स को स्कूल में अकेले नहीं जाना तो अब पेरेंट्स ने क्या किया साइकिल प्रोवाइड की तो सारे ग्रुप में जा रहे हैं और सेफ्टी मेजर भी हो गया कि गर्ल्स आर सेफ दे आर इन द ग्रुप राइट मैम ठीक है तो ग्रुप में जा रहे हैं और जंगल भी क्रॉस कर रहे हैं ये तो ये जंगल में करना तो तो जब जाते हैं तो आपने देखा जो सनरेज है वो फॉरेस्ट में कम ही आती है तो हम जैसे ही एंटर करते हैं तो हम स्केरी होते हैं अरे जंगल जंगल कोई एनिमल्स ना आ जाए तो ऐसे करके उस उन सरकमस्टांसेस के अंदर आपने देखा होगा ब, बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है जंगल में ये भी डिफरेंट मोड को इस्तेमाल करना पड़ता है तो ये भी एक चैलेंज है डिफिकल्टी तो है वो करते हुए जा रहे हैं है, और उनको कहीं एनिमल भी मिल सकता है तो ये चैलेंज हो गया उनके लिए आपने भी सीखना है कि कैसे आ, इतने चैलेंजेस को फेस करके हमने स्कूल जरूर जाना है तो आपके लिए एक मोटिवेशन भी होगी स्कूल जाने की तो अभी स्नो के ऊपर आ गए हम कि आपने मनाली कुल्लू मनाली देखा मैम आपने मैंने तो देखा हुआ तो है कुल्लू मनाली ठीक है तो कुल्लू मनाली में फॉरेस्ट रोहतांग एरिया है तो वहां पे बच्चे जाके कैसे जा रहे हैं मूविंग ऑन द स्नो स्कूल पे जा रहे हैं आपने देखा सारे तो आपको लगता है कि स्नो के ऊपर चलना इज इजी थिंग और मैम और बहुत मुश्किल।, बहुत मुश्किल है सो कैन स्लिप ऑल्सो When it is snowing, they can sleep also. तो उन सर्कमस्टांसिसनिंग यूर ऑल्सो लर्निंग कभी आपके पापा की पोस्टिंग होगी तो आपने भी ऐसे चल के स्कूल जाना है राइट सो so इंजॉय भी करना है आपने. तो सॉफ्ट भी होती है स्नो के ऊपर पैर रखते हैं तो अंदर धस जाता है सिंक करता है पैर तो आपने बचा बचा के पैर करना है, रखना है ऐसी मैम जब आप थ्रो थॉर्न्स के ऊपर चलते हो जैसे कांटे गिरे किसी ने झाड़ी काटी तो उसके ऊपर आपने चलना है तो बचा बचा के चलना है कोई थॉर्न तो नहीं आ गया तो आपने ऐसे सीखना भी है हाउ टू वॉक केयरफुली इन डिफिकल्ट ये भी आपने एक लाइफ में सीखना है आपने तो अभी आगे वॉकिंग रॉकी पाथ आपने देखा होगा कि रिवर एरिया होता है रॉक्स होती हैं तो उस पे बच्चे कैसे Carefully चल रहे हैं एक दूसरे का हाथ पकड़ के भी चलना पड़ता है मैं ना जू तू ना जी सो वी स्पोर्ट ईच अदर अवर फ्रेंड्स मैम सो यू मस्ट बी नोइंग अबाउट द रॉकी एरिया यू मस्ट बी फेमिलियर अबाउट रॉकी एरिया सो मेनी चिल्ड्रन दे मस्ट भी फ्रॉम उत्तराखंड दे मस्ट भी एक्साइटेड की उत्तराखंड की बात हो रही है तो so आपने एक और स्टेट की नॉलेज hmm. आपको हो गई तो आपने आपने देखा टोटल कितने स्टेट्स हैं इंडिया में मैम 28 स्टेट्स 28 हैं ठीक है हुँ. तो इन बच्चों को ये सारी नॉलेज भी आपको के साथ साथ आपको पता चल गई कि इसके साथ हमें और ये देखो हम एक और बात करने जा रहे हैं टॉक करेंगे लेट अस टॉक आपने पूरा लेसन सीख लिया आपने एक्टिविटीज हैं जो बच्चे कर सकते हैं हाँ यहाँ या तो hmm. ये बच्चे एक्टिविटी तो आप इनको कितने सारी बता दी है मैम इन्होंने hmm. जो कितने मॉडल्स बनाने हैं और कितनी ड्राइंग hmm. बनानी है hmm. वो भी एक एक्टिविटी है ब्रीफ ब्रीफ में, में जानना चाहेंगे बिकॉज़ वी आर रनिंग वेरी शॉर्ट ऑफ़ तो अब बच्चों क्योंकि हम स्कूल की बातें कर रहे हैं hmm. तो स्कूल की बात कर रहे हैं तो नेचुरली यू आर एक्साइटेड टू गो टू स्कूल यू हैव टू मेंटेन अब स्कूल जाते हैं तो सबसे पहले हमारे वर्ड में क्या आता है की वी हैव टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द स्कूल ठीक है मैम तो डिसिप्लिन के लिए अगर आपको पनिशमेंट जरूरी लेनी है डू यू ऑल्सो है तो आज तक कभी नहीं मिली मैम पनिशमेंट क्योंकि वी आर सेल्फ डिसिप्लिन तो ये बच्चों ने स्कूल के नाम से व्हाट दे हैव हैर्न दैट यू आर टू बी सेल्फ डिसिप्लिन राइट सो तो आपको लगता है पनिशमेंट लेना जरूरी है मैम नो इट इज नॉट नेसेसरी सो आप क्या करेंगे आपके साथ मैंने एक ड्रीम स्कूल बना दिया है आप इसका मॉडल भी बना सकते हैं इसकी ड्रॉइंग भी बना सकते हैं और इसके ऊपर okay. आप एक और एक्टिविटी क्या करेंगे एक okay. so, okay. कि आपने एक सो ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ योर ड्रीम स्कूल तो डेनर्स एंड यू कैन ईदर ड्रॉ और यू कैन राइट ए पैराग्राफ एज वेल ऑन योर ड्रीम स्कूल क्या क्या क्वालिटीज आप चाहते हैं अपने स्कूल में क्या पनिशमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए तो आप हमें जरूर बताएं और हमारे ईमेल एड्रेस पर आप भेज सकते हैं हमारा ईमेल एड्रेस है डिटेल्स डॉट क्लास फोर्थ एट द रेट सी आई टी डॉट एन आई सी डॉट आई एन आज के सेशन की डिटेल डालकर आप अपनी बातें हम तक जरूर पहुंचाए एंड मंजीत मैम इट्स टाइम फॉर मी टू रैप अप दिस सेशन वी आर रनिंग वेरी 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 शॉर्ट शॉर्ट इट टाइम थैंक थैंक यू यू सो मच आपको बींग अस और आपने इतने अच्छे से पूरा चैप्टर हमारे सभी व्यूअर्स तक पहुंचाया बच्चों आपको जरूर काफी बातें पता चली होंगी आपको पता चला कि हमारा देश इतना बड़ा है इतने सारे स्टेट्स हैं इतने सारे राज्य हैं हर राज्य की अपनी एक खूबी है और अपने राज्य में जो बच्चे हैं उनके स्कूल जाने के जो तरीके हैं वो अपने अपने स्पेशल हैं। विशेषता लिए हुए हैं कौन से रास्ते आपको पसंद आए कौन से नहीं आए ये भी आप बता सकते हैं तो इस चैप्टर के माध्यम से आपने काफी कुछ जाना काफी ल, आ, जो लर्निंग आउटकम है आपके पास आई कि कितने स्टेट्स हैं क्या क्या रास्ते हैं क्या क्या चैलेंजेस बच्चों को होते हैं और किस तरह से उन सभी चैलेंजेस को ओवरकम करके बच्चे उन अपने गंतव्य पे यानी स्कूल में पहुंचते हैं आपको पता चला अब मैं इस सेशन को यहीं पर वाइंड अप करना चाहूंगी लेकिन आपको बता दें कि एक ब्रेक पे जा रहे हैं हम ब्रेक के बाद अपने लाइव इंटरेक्शन के साथ हाजिर होंगे जो की इंग्लिश के फोर्थ स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए हमारा टॉपिक रहने वाला है वेकअप तो वेकअप और हमारे साथ यूं ही बने रहे अभी फिलहाल मुझे रेणु भट्ट को दे अनुमति नमस्कार